शुभांगी गुप्ता और स्वागत है आपका एसबीटी न्यूज में। और आइए नजर डालते हैं इस समय के कुछ मुख्य समाचारों पर। भारत से पुर्तगाल भागने की फिराक में है सलीम, देखिए रिपोर्ट। मुंबई बम धमाके की उम्र कैद की सजा काट रहा अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम अब भारत की जेलों से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मार रहा है। शायद यही वजह है कि मंगलवार को सलीम से मिलने उसकी वकील मैनुअल लुइस फेरार नवी मुंबई से तलोजा जेल आई थी। उन्होंने करीब 2.5 घंटे सलीम के साथ बातचीत की। जेल प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है कि दोनों के बीच क्या बातें हुई, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि सलीम भारत से पुर्तगाल जाने के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया की जानकारी ले रहा था। हम आपको बता दें कि भारत ने पुर्तगाल से संधि के आधार पर अबू सलीम का प्रत्यर्पण हासिल किया था। पुर्तगाल से 11 नवंबर 2005 को भारत प्रत्यर्पित किए जाने के ये फरार था। सूत्रों के अनुसार 31 मई को अबू सलीम की ओर से उसकी वकील फरेरा ने पुर्तगाल में लिस्बन कोर्ट में याचिका दायर की थी कि सलीम को भारतीय जेल में जान का खतरा है। भारत में सलीम पर जिस तरह का मुकदमा चलाया जा रहा है वह प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन है, इसलिए उसे भारत से थोड़े समय के लिए ही सही वापस पुर्तगाल लाया जाना चाहिए। पुर्तगाल संधि के तहत भारत में सलीम को किसी भी मामले में फांसी की सजा नहीं सुनाई जा सकती। पुर्तगाली दूतावास की ओर से 2 सदस्यीय दल तलोजा जेल में सलीम से मुलाकात करने के बाद महाराष्ट्र की ठाणे जेल, उत्तर प्रदेश की लखनऊ जेल और दिल्ली की तिहाड़ जेल भी जाएगा। वह वहां से सलीम से जुड़े मुकदमे और फैसलों की जानकारी हासिल कर जांच करेंगे। 2002 में दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश निवासी कारोबारी अशोक गुप्ता से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में सलीम को 7 साल की कोठरी का कारावास हुआ था। 1993 में मुंबई सिलसिलेबार बम धमाका मामले में विशेष टाडा अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई और 2 लाख रुपए का जुर्माना ठोका। 1995 में बिल्डर प्रदीप जैन हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मानवाधिकारी कार्यकर्ता और पूर्व न्यायाधीश ने किया खुलासा, पीएम की हत्या वाला पत्र निकला फर्जी, देखिए रिपोर्ट। मुंबई के अनेक मानवाधिकारी कार्यकर्ता, वकील और पूर्व न्यायाधीश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की कथित साजिश संबंधी पत्र को माओवादियों की करतूत बताए जाने पर महाराष्ट्र पुलिस और सरकार की जोरदार आलोचना की है। उन्होंने कहा है ये पत्र झूठा है और इसका कोर्ट कचहरी की भाषा में कोई महत्व नहीं है। उन्होंने कहा यह सरकार के इशारे पर हो रहा है जो अपने विरोध में कोई स्वर सुनना नहीं चाहती। हम आपको बता दें कि पत्र के बरामद होने के आरोप में पुणे पुलिस ने मुंबई, नागपुर और दिल्ली से 5 स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं जिसमें से एडवोकेट सुरेंद्र गैंडलिंग, प्रोफेसर शोमा सेन, एक्टिविस्ट सुधीर धवाले, महेश रावत और रोना विल्सन को गिरफ्तार किया है। इन स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं का समर्थन और इन्हें रिहा करने की अपील करने के लिए मुंबई प्रेस क्लब में देश भर के प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता, वकील व पूर्व न्यायाधीश ने एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में इन स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को संविधान विरोधी, कानून का मजाक और मानवाधिकारों की हत्या बताया गया है। सम्मेलन में मुंबई उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश बीजी कौलसे पाटिल और भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जय सिंह, मुंबई उच्च न्यायालय के वरिष्ठ एडवोकेट मिहिर देसाई, एडवोकेट मारूक आजेनवाला, फिरोज मीठी बोरवाला और प्रेरणा अभियान के सादिक कुरेशी ने संबोधित किया है। इनके अलावा एडवोकेट अटल बिहारी दुबे, स्वयंसेवी सुजन अब्राहिम और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आनंद ग्रोवर आदि शामिल थे। प्रेस सम्मेलन का निष्कर्ष था कि सरकार दलितों, आदिवासियों, मानवाधिकार संगठनों और मुसलमानों की ताकत से परेशान हो गई है और वह इस ताकत को दबाने की और उनके लिए आवाज को इन गैर मानवीय और गैर संवैधानिक तरीकों से दबा रखी है। उनका कहना है कि जिस पत्र का जिक्र किया जा रहा है वह ना तो अभियुक्तों को दिखाया गया ना ही वकीलों को। इससे ऐसा लगता है ये सब देश की असली समस्याओं से लोगों को भटकाने का प्रयास भर है। और ये थी इस वक्त की कुछ खास खबरें। मेरे यानी शुभांगी गुप्ता के साथ देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।